नमस्कार, मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। धर्मेंद्र पाटीदार अनीता पाटीदार ने बताया, एक शाम पापा के नाम। उसी कड़ी में धर्मेंद्र पाटीदार के स्वर्गीय पूज्य पिता श्री भगवान श्री पाटीदार का भगवान आशीर्वाद और मातृशक्ति श्रीमती राधा पाटीदार की ममता की छांव से ठीक 20 वर्ष पहले इसी पैगाम को लेकर निमार से साठुकार का एक नन्हा सा सपना अपना मुकाम तलाशने मालवा आया था और जतन की सिलसिला सतत चल रहा था और सफलता का सुनहरा उजाला खिलता रहा। रिटायर भारत देश के वीर सैनिकों का सम्मान। मेरे पूज्य पिता स्वर्गीय श्री भगवान पाटीदार जी की याद में श्री बालाजी सुपरमार्ट के सफलतम 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में सैनिकों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूरी सिलिकॉन सिटी में कई अलग अलग जगहों पर स्टेज लगाकर सैनिकों का भव्य स्वागत किया गया एवं पास से 6,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था की गई एवं आसपास की गरीब बस्तियों में भी भोजन की व्यवस्था करवाई गई। एवं धर्मेंद्र अनीता पाटीदार ने बताया, इस आयोजन में कपिल भाई, महादेव सर और पूरी टीम को शानदार आयोजन एकीकरण सैनिक सम्मान में हिंदू समाज एकीकरण आध्यात्मिक आनंद के लिए महासागर मुख्य संगठन आनंद के लिए महानगर मुख्य संगठन युवा संगठन महिला संगठन RS एवं सभी हिंदू संगठनों ने सैनिकों के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी और कहा कि हर माता पिता को ऐसे ही पुत्र हो जो अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़े, देश एवं समाज के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करते रहें। आज का सम्मान समारोह पापा के 15 वर्ष की पुण्यतिथि होने पे आर्मी वाले आर्मी की फैमिलियों को सम्मान समारोह के लिए उपस्थित किया है। पाटीदार समाज जन RSS और जो सेवानेत्र सैनिकों का सम्मान समारोह रखा हुआ है। जी, देशभक्ति के हिसाब से एक सम्मान समारोह रखता था कि पापा की याद में एक ऐसा बड़ा कार्यक्रम करेंगे कि जिससे आने वाले टाइम में कि एक पापा मुझे मन में खुशी थी कि आने वाले टाइम में कुछ करेंगे। थोड़ा सा